नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश टेक्निकल इलेक्ट्रिशियन आज फिर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आइसोलेटर को भी हम MCB की तरह ट्रिप करवा सकते हैं। क्या आपको पता है कि 90% इलेक्ट्रिशियन करते हैं ये गलती? तो चलिए जानते हैं कौन सी गलती की बात कर रहा हूँ। घर में प्रयोग होने वाले MCB, इसका पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। यह दो चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। तो बहुत से इलेक्ट्रिशियन MCB की जगह आइसोलेटर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए जानते हैं आइसोलेटर और MCB में क्या अंतर होता है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो MCB शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से प्रोटेक्ट करता है और इसको घर में मेन स्विच बोर्ड पर लगाया जाता है। इससे आपके घर पर कोई भी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट होता है तो MCB ट्रिप कर जाता है। और आइसोलेटर किसी भी प्रोटेक्शन के काम नहीं आता, जैसे स्विच किसी भी लैंप फैन आदि को ऑन ऑफ करता है, वैसा ही काम आइसोलेटर का है। यह हैवी काम जैसे मोटर आदि को चालू करने का है। आइसोलेटर और MCB का पता लगाने का तरीका। आइसोलेटर और MCB में अलग अलग सिंबल बना होता है या उसके डिब्बे के ऊपर भी लिखा होता है। MCB का सिंबल इस प्रकार होता है और आइसोलेटर का इस प्रकार। इसके बाद अगर एक आइसोलेटर को MCB की तरह ट्रिप करवाना है तो आपको क्या करना होगा? आइसोलेटर के ऊपर लिखे 1, 3 और 2, 4 को ध्यान से देखकर आपको इसके कनेक्शन करने होंगे। 1, 3 यानी इनपुट और 2, 4 आउटपुट। अगर आप इस प्रकार के कनेक्शन करते हैं तो आइसोलेटर भी आपका ट्रिप करेगा।